हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। तो जैसे कि आप नेट में सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कहीं दिखेगा कि 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी का जिसका मार्केट कैप है उसे लार्ज कैप कहेंगे। कहीं आप सर्च करोगे तो 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप उसे लार्ज कैप कहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सेवी का एक क्राइटेरिया आया था, सेवी का एक रूल आया था, उस हिसाब से हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक के बारे में। जो सेबी का यह गाइडलाइन आया है कि जो मार्केट कैप होता है, जो फर्स्ट 200 मतलब पहला नंबर से लेके 100 नंबर के तक का जो मार्केट कैप है उसे लार्ज कैप में रखा जाएगा। और ये मार्केट कैप कैसा निकालते हैं आपको तो पता ही है। मार्केट कैप का यह फार्मूला होता है कि किसी भी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रेजेंट प्राइस। जैसे कि रिलायंस का मान लीजिएगा, अभी 2,000 उसका प्राइस चल रहा है और उनकी कंपनी के जितने शेयर इशू हैं उसको इंटू कर देंगे तो उसका मार्केट कैप आ जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट कैप निकाला जाता है। तो लार्ज कैप में होता है आपका फर्स्ट 200, पहले 100 कंपनी का मार्केट कैप जो रहेगा वो आएगा लार्ज कैप में। उसके बाद सेकेंड में आता है मिड कैप। मिड कैप में वह स्टॉक आएंगे जो 101 से लेकर 250 तक, मतलब 100 के बाद जो अगला 150 कंपनी आएगा उसे हम मिड कैप कंपनी कहेंगे। ऐसा सेवी का एक रूल आया है। ऐसा उन्हें रूल इसलिए लाना पड़ा था क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे जो फंड होते हैं उनके इन्वेस्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं थे। कई लोग कहते थे कि वो वाला लार्ज कैप है, कई कहते थे ये वाला मिड कैप है। तो इसी क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए सेबी ने रूल लाया कि फर्स्ट 200 मतलब पहला से 100 नंबर तक हमें लार्ज कैप कहेंगे, उसके बाद 101 से 250 नंबर तक वाले को हम यहाँ पे मिड कैप स्टॉक कहेंगे। तो और उसके बाद आता है स्मॉल कैप कंपनीज़। और स्मॉल कैप कंपनीज़ में वो सारे स्टॉक आएंगे जो इन दोनों के बाद, मतलब 251 नंबर के बाद जो सब स्टॉक रहेगा वो रहेगा स्मॉल कैप कंपनी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसके अलावा भी मार्केट में हमने बहुत टाइम ये सुना होता है कि चौथा एक भी रहता है, वो आपके मन में आ रहा होगा क्या, तो वो है माइक्रो स्मॉल कैप। हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप के बाद भी एक कंपनी है या एक क्राइटेरिया है जिसे हम कहते हैं स्मॉल स्मॉल माइक्रो कैप। हाँ दोस्तों, स्मॉल माइक्रो कैप बहुत ही छोटे कंपनियां होते हैं और जनरली हमें जो पेनी स्टॉक का जो कैटेगरी रखते हैं हम उसे माइक्रो स्मॉल कैप कहते हैं। जैसे कि जिसका मार्केट कैप 80 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जनरली ऐसे छोटे छोटे जो मार्केट कैप रहते हैं हमें उसे स्मॉल माइक्रो कैप कहते हैं। तो एक बार आप फिर से बता रहा हूँ, पहला 100 कंपनी लार्ज कैप, उसके बाद अगला 150 कंपनी मिड कैप, और उसके बाद जो आएगा 251 से वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखते हैं।